हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। आज होली के पर्व पे सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स, टू माय यूट्यूब फैमिली। और अच्छी बात यह है कि हमारी फोर्ड इकोस्पोर्ट ने भी 50,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, 51 ही हो गया। तो रिसेंटली मैंने एक सर्विस भी कराई है इसकी, जो 50,000 की एक मेजर सर्विस कहते हैं। बट अगर मैं फोर्ड के टर्म्स में बात करूँ तो इतनी मेजर ये नहीं होती है। एक्चुअल मेजर सर्विस है वो 60,000 पे आएगी। इसमें सिर्फ इसका ऑयल प्लस ऑयल फिल्टर और इसका गैसकेट चेंज हुआ है। मैं सर्विस पे भी आऊँगा, बाद में बताऊँगा। पहले तो मैं एक ओवरऑल की 50,000 किलोमीटर कंप्लीट करने में मेरे को ये कार से कैसा लगा, ओवरऑल एक व्यू, मतलब 50,000 किलोमीटर काफ़ी होते हैं गाड़ी के, अच्छा बुरा सब जान चुका हूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ इसकी पॉजिटिव चीज़ों से, तो देखिए 10-10.5 लाख रुपये में मेरे को उस टाइम पे इसके बराबर की कोई कार नहीं समझ में आ रही थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उस टाइम पे मेरे को ब्रेजा और नेक्सन का ही एक सामने एक मेरे पे चॉइस थी। मेरे को अच्छी लगती थी महिंद्रा XUV 300 भी, बट वो तब तो नहीं, अब हमने रिसेंटली परचेज कर लिया। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में नेक्सन और ब्रेजा का कंपटीशन ज़्यादा आ रहा था। फोर्ड इकोस्पोर्ट थोड़ा मैं बाद में सोचता था, लेकिन जब मैंने ये चलाई, बैठे फैमिली मेम्बर्स को दिखाई, तो सबको ये काफ़ी अच्छी लगी थी। ओवरऑल छोटे बड़े सारे मैंने काफ़ी इस पर ट्रिप्स कर ली हैं। मॉडिफिकेशन के नाम पर मैंने अभी तक कार में कुछ नहीं कराया है। अगर आप कहोगे कि मैंने इसको पहले ये बस नॉर्मल थी, मैंने इसमें बहुत कुछ किया तब मेरे को अच्छी लगने लगी, एज इट इज़ मैं इसको कंपनी से लाया हूँ। मैंने इसमें जो इसके कुछ लोग कहते हैं कि हेलोजन लैम्प्स थोड़े कम है, हाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, बट वो इतनी कम नहीं है कि आपको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रोजेक्टर ये यहाँ पे साइड में ये दिख रहे हैं, फॉग लैम्प है, ये सब कुछ एज इट इज़ मेरे को मिला था। मैंने इसमें कभी बाहर से कोई काम नहीं कराया है। ये जो टायर हैं, कुछ लोगों का कहना था कि गुडियर के टायर अच्छे नहीं हैं, फूल रहे हैं, बट आप देख सकते हैं ये मेरे अराउंड 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इनमें इतना भी ग्रिप है। तो अगर आप इधर से दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक टायर्स हैं मेरे, और अभी मेरे को इनमें कोई शिकायत नहीं लग रही है। मुझे लगता है कम से कम 10-15,000 किलोमीटर ये टायर मेरे आराम से चलेंगे। अब बात करते हैं, देखिए कुछ लोग बूट स्पेस के लिए भी कहते हैं कि ये जो बूट ओपनिंग का तरीका है ये बुरा लगता है, इसमें पीछे स्पेस नहीं होता। पर देखिए फ्रेंकली मुझे कभी दिक्कत नहीं आई कि ओपन करने में पीछे कार से, बट मेरे को कंफर्ट काफ़ी रहा है क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं मोस्टली कार्स की डिग्गी खोलता हूँ मुझे सर पे लगने का डर लगा रहता था। अब इसमें क्या होता है कि मेरे को कुछ भी रखना है उतारना है तो दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हमें उठा के रखना पड़ता है अंदर, वो इसमें इशू नहीं है क्योंकि इसका ये फ्लैट सरफेस ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आप इजीली सामान रख सकते हैं इसमें। मैंने अराउंड 1 टन तक का मैंने इसमें सामान रख के कैरी किया है। ये ट्रे बहुत इजीली निकल जाती है, आप इसको उठा के यहाँ तक भी रख सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें इवन आलू के बोरे भी कैरी किए हैं, लगेज, आलू का बोरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में मेरे को ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने रखा है। ट्रे काफ़ी मजबूत है, इसके ऊपर अगर कुछ सामान रख रहे हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कंपनी फिटेड मिला है। साइड में आप देख सकते हैं बॉटल रखने की जगह है, अंदर यहाँ पे लैम्प जला होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर मैं नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा ये स्टेपनी का नीचे का पार्ट, जो भी अपने आपको बाहर रख के अपने स्टेपनी निकालनी है उसके लिए, ये एक सिक्योरिटी की रहती है इसमें, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने इससे पहले किसी कार में नहीं देखा था। टायर में स्टेपनीज यूजुअली आपने देखा होगा चोरी हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी की है, इसके बगैर ये टायर उतर नहीं सकता, तो ये एक मेरे को प्लस पॉइंट लगता था। रियर वाइपर, फॉगर, सब कुछ बहुत अच्छा काम किया, कभी मेरे को इसमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, रिसेंटली मेरी एक, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, पार्किंग में ये वाली लाइट टूट गई थी, मतलब कोई खड़े खड़े में इसको मार गया था, तो ये मैंने अराउंड 1400 की रिप्लेस कराई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है आजकल की कार्स के हिसाब से, तो ये बहुत नॉमिनल चार्जेस थे। प्लस अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने जो रिसेंटली सर्विस कराई उसमें मुझे ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों ने ठीक करके दी है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशली कोई लेबर चार्ज लगाया हो। और बाकी ओवरऑल देखिए ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मैंने बहुत मतलब कवर तो मैंने ये कि देखिए मैं लेह लद्दाख नहीं गया कभी, बट मैंने माउंटेन्स पे मसूरी में, धनौल्टी, राजस्थान में भी काफ़ी जगह मैं ट्रैवल किया हूँ, थोड़ा बहुत अनइवन जगहों पे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं जब अपने गाँव जाता हूँ वहाँ पर कई जगह ऐसे खेतों में मेरे को तान्नी पड़ जाती है जिसमें सामान भी होता है कार में, लेकिन मुझे कभी ग्राउंड क्लियरेंस से इशू नहीं हुआ आज तक, शायद याद ही नहीं है कि कभी नीचे टच हुई हुई है। तो बाकी मैं एक बार अंदर से दिखाता हूँ आपको कार को। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये मीटर दिखा देता हूँ। 50,000 में मेरी सर्विस हुई थी, ये 51,711 मेरी मतलब कार चल चुकी है।
अब देखिए मैं कभी कभार नई कार्स में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ उनके डैशबोर्ड, उनके म्यूजिक सिस्टम सब कुछ बहुत एडवांस हो गया है, बट देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसमें कभी कोई कमी नहीं लगती है। जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड टाइप का, बड़ा एक्सेसिबल, इजीली आप देख सकते हैं, इतने बड़े बटन चलते हैं, मैं आप पूरा ध्यान नहीं दे सकते, छोटे छोटे बटन होते हैं, उससे ये बहुत बेटर है। आपको कुछ भी करना है, रिवाइंड विवाइंड, फोन करना है, नेविगेशन जाना है, सब कुछ इसमें बहुत ईजी आप कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा इशू नहीं होता। ये मैंने आपको बताया कि स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, इसको डिम कर सकते हो, अपना जो भी कुछ आपको लगता है कि मेरे को एसी है, सारा इसमें ऑटो सेटअप एसी का था, सफिशिएंट स्पेस है, यहाँ पे आप इतना सामान रख सकते हो, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट है, दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान रखने के लिए दो बोतल्स की जगह दी गई है, यहाँ पे छोटा सा आप की रख सकते हो, काफी बड़ा यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, इसमें आप सामान रख सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा कि मेरे को कार से कभी कोई शिकायत नहीं रही है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात आती है कि लोग आजकल चैनल पे काफी लोग मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमें फोर्ड एकोस्पोर्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर डेफिनेटली फोर्ड थोड़ा सा दोबारा से इंटरेस्ट दिखा रहा है, 2 ईयर्स पहले फोर्ड छोड़ के जा चुका है, बट अब अगर फोर्ड दोबारा से इंटरेस्ट दिखा रहा है अपनी फोर्ड एंडेवर वगैरह पे, मैंने देखा है वो लोग काफी पेटेंट करा रहे हैं अपने डिजाइन, होपफुली, मतलब मैंने अभी तक कोई इस पे वीडियो नहीं डाला बट मुझे भी लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव रिस्पांस आने वाला है फोर्ड का। हो सकता है कि फोर्ड यहाँ पे सिर्फ अभी मतलब बना के कार्स को एक्सपोर्ट करे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इंडिया के लिए ऐसे बाइज नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ कार्स यहाँ पे सेल जरूर करेंगे, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू आगे इन फ्यूचर नहीं आएगा। अभी पार्ट अवेलेबिलिटी का इशू नहीं आया था, बट हाँ मैंने सुना था काफी सारे सर्विस स्टेशन जो छोटे हैं उन पे कभी कभार कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे। जैसे मैं अगर बात करूँ किसी पर्टिकुलर कार का रेडिएटर, आप ये कहो कि एट ए टाइम वहां पे 10 रखे हो तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एक दो हो या फिर कभी कभार स्टॉक खत्म हो जाता है, बट मैं जब भी गया मुझे कोई इशू नहीं आया अभी तक किसी पार्ट्स का। मेजरली मैंने कुछ अभी वियर एंड टियर बड़ा कुछ कराया नहीं है, छोटे मोटे वाइपर चेंज और ये सब है। अच्छा उसमें भी मैं आपको बता दूं कि वाइपर चेंज बैटरी जब मैंने कराई थी तो वाइपर्स में मेरे को 50% डिस्काउंट मिला था। तो एक कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया से जा चुकी है वो अपने जो यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको इतना कर रहा है कि ऑफर्स दे रहा है, 50% मेरे को वाइपर्स पे मिला, बैटरी पे मेरे को 1500 रुपए का डिस्काउंट मिला। जैसे मैंने बताया कि मैंने लाइट डलवाई है 1400, उस पर कोई लेबर चार्ज नहीं लिया। अब मैं आपको बताऊं मैंने 50,000 की अभी जो रिसेंटली मेरी सर्विस हुई है उसका जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट लाइट हटाने के बाद है वो 4,000 रुपीज है। तो 1500 सीसी की कार पे अगर 4,000 रुपए का आप देखते हैं, तो आप लोग सब मतलब काफी मतलब हर कोई आजकल इतना देखे उसको पता होता है, आप अपनी कार से कंपेयर करके देख लिए कि इतनी बड़ी कार की, एक डीजल कार की, मतलब पेट्रोल होती है तो भी चली गई, डीजल कार की इतनी बड़ी सर्विस होने पे 50,000 वाले पे सिर्फ 4,000 रुपए लग रहे हैं। और ये मैं ऑथराइज डीलर से करा रहा हूँ, मतलब ये मैं बाहर नहीं करा रहा हूँ कभी कहीं पे, मतलब जब से ली है कार मेरी सारी सर्विस गौतम फोर्ड पे ही हुई है जो सेक्टर 5 में नोएडा में है। तो वो था। अब बात आती है कि कुछ लोगों का कहना था कि सर अब हमें फोर्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कार, सिर्फ फोर्ड की नहीं, जिस कार को आपको लग रहा है कि मार्केट में उसकी वैल्यू जो आ रही है, आप 2-3 जगह पे ट्राई करिए, OLX पे देखिए, आप नॉर्मल 1-2 डीलर से बात करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप पे बात करके देख सकते हैं, आपको लगता है कि उसका बजट जो भी उन्होंने बताया है, जैसे आप किसी की कोई कार परचेज करना चाह रहे हैं उसने बोला है 6 लाख की है, उसके बाद आप ये देख लीजिए उसमें आपको काम कितना कराना पड़ेगा। ऐसा है कि उसके टायर खराब हो रहे हैं, उसकी बैटरीज खराब हो रही हैं, या फिर उसकी बैटरी बहुत पुरानी है, आपको लेते ही उसमें 4-5 काम कराने पड़ेंगे, तो देखिए डेफिनेटली ऐसी डील पे मत जाइए जो आपको ओवर प्राइस लग रही हो। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है मेरे को कार अच्छी मिल रही है, सब कुछ फिटमेंट सही है, इंजन वाइज कार सही है, आप ले जाके उसको फोर्ड के शोरूम पे चेक करवा सकते हैं या फिर किसी अच्छे जो सर्विस सेंटर उस पर चेक करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में डीजल का कोई इशू नहीं है, जैसे मैं कहूंगा कि दिल्ली NCR में तो BS4 को ही मना कर देते हैं, ये कार 4 साल पुरानी है इसको भी मना कर देते हैं जाने के लिए, तो ऐसा अगर आपका स्टेट में इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली फोर्ड पे जा सकते हैं। फोर्ड की बहुत अच्छी अच्छी कार्स हैं, फोर्ड एस्पायर है, फोर्ड फ्रीगो, फ्री स्टाइल, या फिर एको स्पोर्ट हो गया, एंडेवर हो गया, तो ये कार्स डेफिनेटली लोगों को काफी अच्छी लगती हैं। और अगर आप सेल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अब आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, आप वो भी ले सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मुझे कार से कोई इशू नहीं आया अभी तक, तो मैं टचवुड काफी हैप्पी हूँ अपने डिसीजन से। एवरेज का कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आप 22+ निकाल लेते हो, तो देखिए मैं आपको बताऊँ 22+ निकलती है जब आप इसको 80-90 चला सकते हैं, लो आप फुट रखें। अगर अगर आप हार्ड पुशर हैं, कार को थोड़ा सा पंचीनेस में चलाना चाहते हैं, थोड़ा तेज भगाते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो एवरेज है वो 18.5-19 के आसपास रहता है। तो आप ये मत
सोचिएगा कि इसको लेने के बाद आपको हमेशा 22 या 23 मिलेगा। हाँ, अगर आप जैसे मैंने कभी कभार हुआ है कि मैं किसी हाईवे पे जा रहा हूँ फैमिली के साथ है और मेरे को जल्दबाजी भी नहीं है, मैंने इसको 80-90 के आसपास ही क्रूज किया, 90 के आसपास। इसमें क्रूज सिस्टम नहीं है, मैं बता दूं, क्रूज में वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर मैंने क्रूज किया है तो मेरे को 22 प्लस का भी एवरेज मिला है। अब बात आती है कि कुछ लोग इसमें भारत से भी क्रूज कंट्रोल लगवा रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। डेफिनेटली वो कपलर टू कपलर वाला काम है, तो उसमें एज सच कोई वारंटी वाइड नहीं होती है। आपको लगता है कि आपकी हाईवे ड्राइव ज्यादा है और आप उसको 80-90 पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्रूज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट हो, तो आप करा सकते हैं। 8-9 thousand में वो लोग लगा के दे रहे हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग हो रही है। हमारे फोर्ड के ग्रुप पे भी ऐसे 2-3 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्ड का हमारा ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम पे हो या फिर फेसबुक पे हो, वो लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम लोग कुछ भी पूछने मतलब करते हैं उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे को टायर अपग्रेड कराने तो डेफिनेटली एक छोटा सा मैसेज डालना है, और आपको टीम में इतने सारे लोग हैं जो गाइड करते हैं। ऐसे ही आप अपनी सर्विस कराने आते हैं, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हमें कोई मेजर चेंज कराना है नहीं कराना। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं जो फोर्ड के फैमिली टाइप पे चल रही है, और मुझे पर्सनली फोर्ड से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरा पर्सनल, मतलब कैसा मुझे लगा अपनी ये कार को 50,000 किलोमीटर कंप्लीट करने पे। आपको फोर्ड कैसी लगती है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको लगता है कि फोर्ड को वापस आना चाहिए और सारी कार्स को लेके आना चाहिए, या फिर अभी जैसे बात चल रही है कि सिर्फ एंडेवर आ रही है, तो उस पर भी आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैप्पी होली।